हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सी आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको नज़र आएगा कि कैसे रुद्राक्ष के हाथ मैडम चौटाला लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो तब होगी जब रुद्राक्ष चौटाला के सामने उसके सारे किए गुनाहों की सफाई देगा और ये भी बताएगा कि उसे सब पता है कि कैसे अरमान के साथ मिलकर उसने उसकी और प्रशा के बच्चे के साथ में खिलवाड़ किया है, कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह की है, कैसे उससे उसकी पत्नी को अलग किया। इन सारे इल्ज़ामों को लगने के बाद चौटाला काफ़ी ज़्यादा घबराई नज़र आएगी, लेकिन बावजूद इसके वो रुद्राक्ष को ये प्रॉमिस कर देगी कि वो जो चाहता है वो ज़रूर करेगी। यहाँ पर दोनों के बीच में ये फैसला होगा कि कमिश्नर के सामने चौटाला को गवाही देनी होगी कि उसने ये सब कुछ अरमान के साथ मिलकर किया है और यही उसका इल्ज़ाम प्रूफ करेगा। यहाँ पर रुद्राक्ष बेचारा हर बार की तरह एक बार फिर से फंस जाएगा चौटाला के शातिर साजिश में और यहाँ पर रुद्राक्ष पहुँच जाएगा पुलिस कमिश्नर के पास। वहाँ जाकर के रुद्र पूरी कोशिश करेगा कमिश्नर को सब सच बताने की, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि यहाँ पर चौटाला मैडम आएंगी नहीं और रुद्राक्ष वेट करता रह जाएगा। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कुछ ऐसा ही होने वाला है जहाँ पर रुद्राक्ष कंप्लेन करेगा कि मुझे प्रूफ चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको सबूत मैं दूंगा। चौटाला सारी गवाही देगी, लेकिन हाँ, उसके आने तक हमें इंतज़ार करना होगा। कमिश्नर भी ये कहता नज़र आएगा कि ठीक है, मैं उसको और अरमान को उस कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए चौटाला का पुलिस स्टेशन में आना ज़रूरी है। लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर रुद्राक्ष को मिलेगा दगा, रुद्राक्ष के साथ होगा धोखा, क्योंकि चौटाला तो आएगी ही नहीं बल्कि वो फरार हो चुकी होगी। अब आखिर चौटाला ने क्या यहाँ पर अरमान से कनेक्शन किया है, कांटेक्ट किया है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि चौटाला एन मौके पर यहाँ पर रुद्राक्ष को धोखा देने वाली है। वैसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।